नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर नरवर से आ रही है, जहां करेरा एसडीएम मनोज गरवाल के द्वारा नरवर में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की चेकिंग की गई। 3 दुकानों की चेकिंग की गई। पहली दुकान महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार नरवर वार्ड क्रमांक 7, 8, 9, 10 सेल्समैन मनीष जैन माजुर खान। दूसरी दुकान प्राथमिक उपभोक्ता भंडार नरवर वार्ड क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15 नरवर सेल्समैन मनीष राठौर ब्रजेश सिंह तोमर। एसडीएम की चेकिंग के दौरान मनीष राठौर की दुकान पर राशन तोलने का सादा कांटा पाया गया। इसी के चलते एसडीएम साहब ने सेल्समैन को बुलाया और बोला कि आप सादा कांटा क्यों यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कांटा क्यों नहीं रखते। सेल्समैन के द्वारा बताया गया कि सर हमारा कांटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा खराब हो गया है, उसी के चलते सादा कांटा यूज करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द हम उसको सही करा लेंगे। उसी के चलते राशन की कट्टों की भी गिनती की गई, जिसमें चावल गेहूं पाए गए। साथ में सेल्समैन को भी ये बोला गया कि कोविड-19 का जो भी बजट आया है उसको आप तत्काल रूप से बांटिए। एसडीएम साहब के द्वारा तत्काल मौके पर पंचनामा भी बनाया गया। हिंदुस्तान टुडे के लिए धर्मवीर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। सर इसका कंप्यूटर ऑन कर देख लेंगे सर। गिन लो सर, इसमें चावल चावल है सर, गिन लो पानी। जैसे कि सर आपके द्वारा राशन की दुकान को जैसे चेक किया जा रहा है, उसमें सर क्या जानकारी आपको प्राप्त की है? रूटीन चेकिंग चल रही है यहाँ पर, क्या हितग्राहियों को राशन समय पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई शिकायत तो नहीं है, कोई किसी व्यक्ति को दिक्कत तो नहीं है? नियमित राशन ये नियमित चेकिंग है, शिकायत नहीं होती। हम लोग क्योंकि राशन का प्रॉपर वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि सर ग्राहकों को कंट्रोल पर 3 महीने का राशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है सर, तो उसमें ग्राहकों की शिकायत आ रही है कि 2 महीने का ही राशन दिया जा रहा है। हम अपने स्तर पे इसकी चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर जाकर चेकिंग कर लेते हैं। हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं।